नमस्कार। रोज की तरह COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव में आज का अपडेट देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भंडारी जी, नमस्कार। COVID-19 टीकाकरण के अंतर्गत आज के जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाऊंगा। जो दूसरी डोज है वैक्सीनेशन की, वो आज से आरंभ हुई, दिनांक 13 फरवरी 2021 से। आपको ज्ञात होगा कि जो कोविड वैक्सीनेशन, कोविड टीकाकरण जो आरंभ हुआ था, वो 16 जनवरी से हुआ था, और जिन बेनिफिशरीज ने, जिन लाभार्थियों के आज 28 दिन पूरे हो गए हैं, वो आज पहली डोज के बाद आज दूसरी डोज वो लेने के लिए तैयार थे, और इस तरह आज जो दूसरी डोज की वैक्सीनेशन है वो आरंभ की गई। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने कि वैक्सीन की अप्रूवल दी है, उन्होंने ये अप्रूवल 4 से 6 हफ्ते पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगने तक की दी है। मतलब कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज तक का अंतराल 4 से 6 हफ्ते हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से जो दूसरी डोज की प्रक्रिया है वो शुरू की गई। द मेन हाईलाइट्स ऑफ टुडे इन टर्म्स ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन आर दैट द सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, दैट इज 13th of February 2021, for the beneficiaries who have completed 28 days after the receipt of first dose. The approval provided by Drug Controller General of India accords a window of 4 to 6 weeks for the second dose. As on 13 February 2021, till 6 p.m., the total vaccinations which have been carried out are 80,52,454. Vaccinations to the healthcare workers out of this are 59,35,275. Of these, the first dose beneficiaries under the category of healthcare workers are 59,27,607. And the second dose beneficiaries, which is specific to today, are 7,668. The vaccinations to the frontline workers till date are 21,17,179. And again, the frontline workers vaccination, it started from 2nd February 2021. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक कुल टीकाकरण जितने लाभार्थियों का किया गया है, उनकी संख्या है 80,52,454, और जो वैक्सीनेशन है जो हेल्थ केयर वर्कर्स की गई है वो है 59,35,275। इनमें से जो प्रथम डोज जिनको लगी है टीकाकरण की, वो है 59,27,607, और जो दूसरी डोज जिन लोगों को लगी है, जो कि आज से शुरू हुई है 13 फरवरी से, उनकी संख्या है 7,668। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका जो टीकाकरण अभी तक हुआ है वो है 21,17,179। फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो टीकाकरण आरंभ हुआ था वो 2 फरवरी 2021 से हुआ था। हेल्थ केयर वर्कर्स की जो कवरेज है, जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 70% उनके लक्ष्य के अनुपात में हुई है, वो ऐसे 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें लक्षद्वीप जो कि 81% के साथ, बिहार 80.6%, त्रिपुरा 78.9%, उड़ीसा 76.7%, मध्य प्रदेश 75.8%, उत्तराखंड 74.8%। The healthcare workers coverage of more than 70%
of the target of respective states and union territories, which is more than 70%. Under this category, there are 12 such states, which include Lakshadweep with 81% of coverage, Bihar with 80.6% coverage, Tripura with 78.9%, Odisha with 76.7%, Madhya Pradesh with 75.8%, Uttarakhand with 74.8% of their targeted figure under this category. The remaining such states and UTs are Himachal Pradesh with 74.5% coverage, Chhattisgarh with 73% coverage, Kerala with 71.1% coverage, Rajasthan with 70.7%, Mizoram with 70.5%, and Sikkim with 70.1%. जो बाकी के छह राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि 70% अपने लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स की अभी तक की गई है वो हैं हिमाचल प्रदेश जिसमें कि 74.5%, छत्तीसगढ़ जिसमें 73%, केरल जिसमें 71.1%, राजस्थान जिसमें 70.7%, मिजोरम 70.5% और सिक्किम में 70.1% की टीकाकरण की कवरेज हुई है। ऐसे 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि 40% से कम हेल्थ केयर वर्कर्स की कवरेज अभी तक हुई है। ये 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, मेघालय जिसमें 37.2% की कवरेज हुई है अभी तक, मणिपुर जिसमें 37%, पंजाब 36.4%, तमिलनाडु 33.9%, चंडीगढ़ 32.1%, नागालैंड 23% और पुडुचेरी 19.9%। देर आर 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज which have till date recorded a healthcare worker coverage of the vaccination to the extent of less than 40%. These are Meghalaya with 37.2%, Manipur with 37%, Punjab with 36.4%, Tamil Nadu with 33.9%, Chandigarh with 32.1%, Nagaland with 23%, and Puducherry with 19.9%. Now we'll give you the figures of the vaccination which has been carried out today on 13th February 2021 till 6 p.m. These are the provisional figures since the data is coming in at regular intervals. Now, all India coverage today on 13th February till 6 p.m. has been 84,807. There are 10 states with the highest vaccination, which we are listing below. These include Jammu and Kashmir with 18,093, West Bengal with 11,427, Gujarat with 9,380, Jharkhand with 8,116, Andhra Pradesh with 6,309 beneficiaries vaccinated today. आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक आज के दिन जिन लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया उनकी संख्या कुल संख्या आज की 84,807 है। जो वैक्सीनेशन के स्तर ऑर्गेनाइज किए गए वो 34 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में किए गए और सबसे अधिक टीकाकरण जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हुआ उनके नाम हैं जम्मू कश्मीर जिसमें कि 18,093, पश्चिम बंगाल जिसमें 11,427, गुजरात जिसमें 9,380, झारखंड जिसमें 8,116, आंध्र प्रदेश जिसमें 6,309 लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया। जो बाकी के 5 राज्य इस कैटेगरी में हैं वो हैं कर्नाटक जिसमें 4,428, बिहार 4,393, उत्तराखंड 4,297, त्रिपुरा 3,867 और दिल्ली 2,627 लाभार्थियों को आज के दिन टीकाकरण किया गया।
The remaining five states who figure in the category of the top or the highest vaccinating states today are Karnataka with 4,428 vaccinations done today, Bihar with 4,393, Uttarakhand with 4,297, Tripura with 3,867, and Delhi with 2,627 beneficiaries vaccinated today. Now I'll share with you the figures of hospitalizations in those cases where vaccination has been done, in those beneficiaries where the vaccination was done. Total hospitalizations till date are 34. Out of them, 21 have been discharged after treatment. There are two such cases which are under treatment in the hospitals, and death in the cases who had taken vaccination has been reported in 11 cases in the hospital-bound people who were admitted there. The percentage of hospitalization as against the total vaccination is 0.0004%. In past 24 hours, new events of hospitalization reported has been nil. Aaj ke din, jo hospitalization की गई हैं या जिन लोगों को जिन्होंने टीकाकरण लिया था उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ी, उनकी संख्या शून्य है। अब तक जो टोटल हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हैं वो 34 हैं, जिनमें से 21 लोगों को उपचार के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया, दो ट्रीटमेंट के अधीन हैं और 11 ऐसे केसेस में मृत्यु रिपोर्ट हुई है। हॉस्पिटलाइजेशन जिसका अनुपात कुल टीकाकरण से अगर किया जाए तो वो 0.0004% बनता है। अभी तक की जो मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं ऐसे केसेस में जिनको टीकाकरण हुआ था वो कुल 27 हैं, जो कि वैक्सीनेशन के अनुपात में 0.0003% बनती है। इनमें से जो अस्पताल में जो मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं उनकी संख्या 11 है और जो अस्पताल से बाहर उनकी संख्या 16 है। पिछले 24 घंटे में 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें डेथ रिपोर्ट की गई है। ये हैं एक 38 वर्षीय पुरुष जो कि रेजिडेंट थे हरदा मध्य प्रदेश में और जिनकी दिल का दौरा पड़ने से वैक्सीनेशन के 9 दिन के बाद आज मृत्यु हुई। दूसरा केस 35 वर्षीय महिला हैं जो कि पानीपत हरियाणा की रहने वाली हैं, जिनको कि लंग्स में दोनों तरफ निमोनिया रिपोर्ट किया गया था विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उनको 8 दिन पहले टीकाकरण हुआ था। पोस्टमार्टम की अभी जो डिटेल्स हैं वो आनी बाकी हैं। जो तीसरा ऐसा केस है वो है 58 वर्षीय पुरुष हैं जो कि दौसा राजस्थान से हैं और वो अपनी ड्यूटी पे आज कोलैप्स करके जो रिपोर्ट्स आई हैं और उनको अस्पताल में एज मृत लाया गया और पोस्टमार्टम की अभी डिटेल्स उनकी आनी बाकी हैं। डेथ्स रिपोर्टेड सो फार इन सच केसेस वेयर वैक्सीनेशन हैज बीन कंडक्टेड टिल डेट इज 27 व्हिच मेक्स 0.0003% ऑफ द टोटल वैक्सीनेशन कैरिड आउट टिल डेट। डेथ्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड इन हॉस्पिटल्स are 11 and the ones outside the hospital are 16. There are 3 cases of death reported in past 24 hours in such cases who had taken vaccination at some point in time in the recent past. These include a 38-year-old male who is resident of Harda in Madhya Pradesh, and the death has been reportedly because of myocardial infarction which is 9 days after the event of vaccination. Second case is of 35-year female, a resident of Panipat, Haryana, who was suffering from bilateral pneumonia with acute respiratory distress syndrome, and the death has occurred 8 days after vaccination. The postmortem details are awaited. The third case is of a 58-year-old male who's a resident of Dausa, Rajasthan,
and reportedly collapsed on duty and was brought dead at hospital, and the post-mortem details are awaited. Today, a weekly review meeting was held in the ministry with the states and union territories, and the Secretary of Health and Family Welfare, he reviewed the COVID-19 vaccination drive with all the states and UTs today. The main areas of focus were, number one, the plan for adherence to the timelines for covering all the healthcare workers and frontline workers with first dose of vaccines and scheduling their mop-up rounds. I must share with you what I shared yesterday, that 20th February has been fixed as the date for the completion of vaccination for the healthcare workers, and additional 5 days, that is up to 25th February, have been given as the days where mop-up for such cases who have been left out shall be conducted, and in all circumstances of March 2021. And over next 5 days, that is up to 6th of March, it would be a mop-up round which will be carried out to ensure that anybody who has been left out in this category should also be vaccinated. Thereby, by 6th of March, all the frontline workers should get vaccinated. So this timeline and scheduling was conveyed to all the state and territories. Similarly, the SOPs for the second dose scheduling on Covin was shared with all the states. These SOPs are for the session scheduling for the second dose on Covin. So the second dose, which has been started from today onwards, about that a detailed procedural system was conveyed to all the states so that adherence on the Covin platform can be carried out right from the beginning. The third major issue which was discussed and conveyed was regarding the need for efficient stock management practices, meaning thereby that whatever vaccine is being received by the states, it should be utilized by first expiry and first out, meaning thereby that all the vaccine doses which have been received by the states, they should be utilized efficiently to ensure that the vaccines which are to get expired, they should be utilized first, followed by the later date expiries. The establishment of the state media response cell was the fourth major issue which was discussed with all the states. सो मैं बताना चाहूँगा कि आज सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्होंने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ बहुत डिटेल में आज समीक्षा की, जिसमें कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी जो टाइमलाइंस हैं पहली डोज वैक्सीन्स की और उसके जो मॉपअप राउंड्स हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ और कन्वे किया गया कि जो डेट्स हैं जो कि 20 फरवरी और 25 फरवरी हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन और मॉपअप राउंड कंप्लीशन की, उसको एडहियर किया जाए, और इसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनकी 1 मार्च और 6 मार्च तिथि निर्धारित की गई है उसको भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एडहियर करें। इसी तरह जो दूसरी डोज की शेड्यूलिंग है उसको कोविन प्लेटफॉर्म पे इंश्योर करने के लिए सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उनको आग्रह किया गया है, और ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कोविन प्लेटफॉर्म पे जो दूसरी डोज की शेड्यूलिंग है वो एक निर्धारित तरीके से कंप्लीट की जाए। इसी तरह जो वैक्सीन्स भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को दी जा रही है उनकी किसी तरह से वेस्टेज ना हो और उनको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए भी सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से आग्रह किया गया है। और फाइनली जो स्टेट मीडिया रिस्पॉन्स सेल है उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से आग्रह किया गया। तो अंततः मैं ये समराइज करूँगा कि अभी तक कुल 80,52,454 लाभार्थी, उनको टीकाकरण आज शाम 6 बजे तक दिनांक 13 फरवरी 2021 तक किया गया,
जो कि अभी तक जो डाटा हमें रिसीव हुआ है, और अभी तक कोई भी ऐसा केस सीरियस या सिवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या मृत्यु का नहीं है जिसको कि वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जा सके या उससे एट्रीब्यूट किया जा सके. टू समराइज, अ टोटल ऑफ 80,52,454 बेनिफिशरीज हैव बीन वैक्सीनेटेड टिल 6 PM on 13th February 2021 as per the provisional reports, and no case of serious or severe adverse event following immunization ya mrityu or death has been attributable to vaccination till date. Thank you. Dhanyavaad Dr. Sir.